हाँ तो गाइज, क्या आप भी अपने इस टाइप की फोटो को कुछ ऐसा एडिट करना चाहते हो? देख पा रहे हो गाइज कि स्क्रीन पहले कैसे थी एंड अभी देख पा रहे हो। साथ ही साथ बैकग्राउंड कलर देखो भाई, एवरीथिंग टी शर्ट कलर पूरा मैंने चेंज कर दिया है एंड देख पा रहे हो कि ये एडिटिंग कितना ज्यादा ही मस्त हुआ है। आपको देख के लग रहा होगा कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आप नहीं सीख पाओगे, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आज की वीडियो को आपने कम्प्लीट देख लिया तो आप 100% कुछ इस टाइप की फोटो को एडिट करना सीख जाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइज, लेट गेट स्टार्टेड। हाँ तो गाइज, देख पा रहे हो कि हम अपनी फोटो को यहाँ पे स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन कर लिए हैं। स्नैपसीड ऐप के अंदर आने के बाद गाइस सबसे पहले आपको टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको ट्यून इमेज का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब गाइस यहाँ से आपको सबसे पहले एम्बियंस को आपको बढ़ा लेना है, लगभग आपको 50 के अराउंड बढ़ा लेना है एंड यहाँ पे आपको मिलेगी हाईलाइट्स, जिसे आपको थोड़ा सा कम कर लेना है। यहाँ पे शैडोज मिलेगी, शैडोज को बिल्कुल ही हल्का सा बढ़ाना है, लगभग 9 या 10 के अराउंड। बाकी यहाँ से गाइस इसको भी डन कर लेना है। ओके, तो गाइस फोटो देखोगे बिफोर ये आफ्टर, ओवरऑल हमारी फोटो कुछ इस टाइप की लग रही है। अभी गाइस आपको टूल्स पे क्लिक करना है एंड हम ना थोड़ा स्किन को स्मूथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको एक पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो गाइस आपको जस्ट पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद इसकी स्किन स्मूथ की जो अमाउंट है वो आपको 30 या 35 के अराउंड रख लेना है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये 30 बिल्कुल ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है, तो मैंने इसको 30 कर दिया। अब यहाँ पे आई क्लैरिटी आपको मिलेगी, जिसे आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, लगभग 23 मैंने कर लिया, इसी के अराउंड आपको भी रखना है, ठीक है। अब ये जो फेस स्पॉट लाइट आपको जो ऊपर में मिलेगा सबसे टॉप में, तो फेस स्पॉट लाइट को आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। देखो ये बढ़ाओगे तो क्या होगा कि आपके स्किन का जो आपका फेस का लाइट है सिर्फ वही बढ़ेगा, बाकी सब पूरा डार्क हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं इसको ज़्यादा बढ़ाने का, तो इसे हम पूरा 0 ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी गाइज आपको इसको डन कर लेना है। अब गाइज इतना हो जाने के बाद आपको टूल्स पे दोबारा क्लिक करना है एंड यहाँ से गाइज आपको ट्यून इमेज को सिलेक्ट करना है। यहाँ हम कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, लगभग यहाँ पे 5 के अराउंड एंड कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेने के बाद आपको डन कर लेना है, ठीक है। अब गाइज आपको टूल्स पे क्लिक करना है, यहाँ आपको सिलेक्टिव का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है एंड कुछ इस तरीके से गाइज आपको अपने स्किन को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे इसकी सेचुरेशन आपको जस्ट कम कर देना है, ठीक है, एंड इसको डन कर लेना है। बस आपको सेचुरेशन कम करके डन कर लेना है। तो गाइज ओवरऑल फोटो देखोगे बिफोर ये आफ्टर। तो गाइज अभी हम अपनी फोटो के अंदर ना सिर्फ लाइट की कंडीशन को फिक्स किए हैं, मतलब कि लाइट एडजस्टमेंट किए हैं, तो हमारी फोटो ओवरऑल कुछ इस टाइप की लग रही है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ही मस्त लग रही है। अभी गाइज इस फोटो के अंदर हम कलर ग्रेडिंग करेंगे, तो इसके लिए गाइज आपको जस्ट यहाँ शेयर का एक आइकॉन मिलेगा, शेयर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। शेयर पे जैसे क्लिक करोगे ये मतलब जितना आपने इफेक्ट लगाया उतना प्रोसेसिंग होगा, देन आपको इसको ऐड टू एएलआर कर लेना है, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में लाइटरूम ऐप नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी आसान है भाई, फ्री है, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो गाइज हम ये लाइटरूम ऐप को ओपन कर लिए, ऑल फोटोज़ पे गाइज आपको चलना है एंड आपको ये वाला प्रीसेट जो है ओपन कर लेना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि ये प्रीसेट मैं लाऊं कहाँ से, तो भाई आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है डाउनलोड करने का, आप जस्ट उस पर क्लिक करो एंड डाउनलोड पेज पे आप पहुंच जाओगे, वहां से आप इस प्रीसेट को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगर आप वहां नहीं जाना चाहते तो आप aryaedit.com भी सर्च करके जा सकते हो, ठीक है। अब गाइज आपको इस 3 डॉट की आइकॉन पे क्लिक करना है एंड जस्ट आपको यहाँ कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, कॉपी सेटिंग पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ से गाइज ऊपर एक सेव का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब अपनी फोटो के अंदर चलना है, मान लो कि हमने इस फोटो को तो अभी स्नैपचैट ऐप से शेयर किया था लाइटरूम ऐप के अंदर, तो अभी हमें इसी फोटो को एडिट करना है, ठीक है, मतलब कि कलर ग्रेडिंग करना है, भाई एडिट तो करना ही है। तो इस फोटो के अंदर अभी हमें कलर ग्रेडिंग करना है। अभी मैं इस फोटो को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ ताकि ये साफ हो जाए, क्लियर आ जाए, देख पर भी आ गया। अब इस फोटो के अंदर बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई प्रीसेट मिल गया, चलो अपना तो काम हो गया, बट ऐसा नहीं होता है भाई, प्रीसेट के बाद भी इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है। इस वीडियो को आप ध्यान से देख लो, फिर आपको कभी भी प्रीसेट का रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब गाइज आपको इस 3 डॉट की आइकॉन पे क्लिक करना है, यहाँ आपको एक पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, जस्ट आपको पेस्ट सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप देख पा रहे हो कि आपकी फेस मतलब कितना ज़्यादा बेकार लग रहा है, ठीक है, पहले की फेस देखो कितना अच्छा लग रहा था एंड ये अब देखो, हालांकि और कलर ग्रेडिंग बहुत ही अच्छा हुआ लेकिन ये फेस खराब हो गया। तो इसी चीज़ को सही करने के लिए गाइज मैं बोलता हूँ कि सिर्फ प्रीसेट के पीछे मत भागो, इसके अंदर भी बहुत सारी सेटिंग होती है जो कि आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब गाइज आपको इस लाइट वाले टूल के अंदर चलना है एंड ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा कम है तो इसे आपको लगभग यहाँ पे ला देना है, ठीक है। हाईलाइट्स को इतना रख लेना है, हाईलाइट्स बहुत कम होना भी सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे शैडोज को लगभग इतना, वाइट्स को इतना कर लेना है, वाइट्स काफ़ी कम हो गया भाई, एंड ब्लैक्स को इतना रखेंगे, ठीक है। तो ये सब गाइज थोड़ा बहुत आप चाहो तो एडजस्टमेंट कर सकते हो, अदरवाइज ये जहाँ है उसको वैसे ही रहने दो, सेटिंग उतना ख़राब नहीं है मेरे ख्याल से,
तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो फोटो देख पा रहे हो कि ओवरऑल बिफोर ये आफ्टर में कुछ इस टाइप की अभी लग रही है, ठीक है। इस चीज़ को और भी ज़्यादा सही करने के लिए आपको कलर वाले टैब के अंदर चलना है, ठीक है। कलर वाले टैब के अंदर आ जाने के बाद आपको मिक्स टूल में चलना है। अब गाइज आपको ये ऑरेंज कलर मिलेगा, ये आपको लेना है, ठीक है। देख पा रहे हो कि इसका ह्यू को हम थोड़ा सा आगे की तरफ एडजस्ट करेंगे तो ये देख पा रहे हो कि स्किन में एक अलग सा ही कलर आ गया, ठीक है। स्किन देखो बिफोर में ऐसा था एंड आफ्टर में देखो ऐसा है, मतलब काफ़ी हद तक तो सुधार हो गया। अब गाइज इसकी सेचुरेशन आपको थोड़ा सा और कम कर लेना है, ठीक है। सेचुरेशन मैंने कम कर लिया, लुमिनेंस यहाँ पे आपको बढ़ा लेना है, ठीक है। अब ये रेड कलर आपको सेलेक्ट करना है एंड इसकी भी आपको सेचुरेशन कम कर लेना है, ठीक है। तो रेड का भी गाइज हमने सेचुरेशन कम कर लिया लगभग इतना, एंड अभी देख पा रहे हो कि फ़ोटो हमारी कुछ इस टाइप की लग रही है। अब ये येलो कलर आपको सेलेक्ट करना है एंड इसे कुछ इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका ब्लू कलर देख पा रहे हो कि इसका सेचुरेशन कम है तो इसे आपको कम ही रहने देना है, ठीक है। आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो ब्लू कलर अगर आपके कपड़ों में कहीं यूज हो तो, मेरे ख्याल से तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा तो मैं इसको कम कर दे रहा हूँ, मतलब पूरा माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इसके ल्यूमिनेंस को भी कम कर लेते हैं लगभग यहाँ पे इतना, ये बहुत ज़्यादा हाई था इसको मैंने कम कर लिया। अब गाइज आपको ये ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे सेचुरेशन जैसे आप बढ़ाओगे ये पूरा ओवरऑल जितनी फ़ोटो है सारा का सेचुरेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से गाइज इतना ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है तो मैं इसको इतना रहने देता हूँ। अब ये जो कलर है गाइज देख पा रहे हो ये स्काई कलर है, इसको भी आपको ज़्यादा छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जहाँ पर भी है सही है। अब गाइज आपको ये वाला पर्पल कलर लेना है एंड इसे आपको सेचुरेशन को कम कर देना है, इसको भी मैंने कम कर दिया है, ठीक है। अब गाइज आपको सिंपल से इफेक्ट्स वाले पैनल के अंदर चलना है एंड देख पा रहे हो कि टेक्सचर और क्लियरिटी दोनों ही हाई है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्लियरिटी को कर लूँगा यहाँ पे कम, ठीक है। या आप देख पा रहे हो कि टेक्सचर ज़्यादा है तो मैं इसको लगभग यहाँ पे 17 के अराउंड रखूँगा एंड क्लियरिटी को मैं पूरा माइनस कर दूँगा, मतलब कि जीरो कर दूँगा। तो अभी क्लियरिटी 1 हो गया एंड ये आप देख पा रहे हो कि 17 के अराउंड हो गया, ठीक है। ये पहले ना बहुत ज़्यादा फ़ोटो के अंदर क्लियरिटी आ जाने के बाद भी ख़राब लगती है भाई, तो इस चीज़ को मैंने फिक्स कर लिया। अब गाइज आपको यहाँ से चलना है इस टूल के अंदर, ये है डिटेल का टूल। डिटेल टूल के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको शार्पनिंग को बढ़ा देना है लगभग यहाँ पे इतना बढ़ा लेना है 37 के अराउंड एंड मास्किंग एंड यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन। नॉइज़ रिडक्शन आपको हल्का बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं फेस को स्मूथ करने के लिए नॉइज़ रिडक्शन को बहुत बढ़ा देते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई, आपकी फ़ोटो में थोड़ी बहुत नॉइज़ होना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर कलर नॉइज़ रिडक्शन बढ़ा लेंगे, आप देख पा रहे हो कलर नॉइज रिडक्शन बढ़ा लेने के बाद कलर भी कितना अच्छा दिखने लग गया। अब गाइज इस ऑप्टिक्स के वाले बटन पे आपको क्लिक करके इन दोनों को आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। तो गाइज अभी ओवरऑल फ़ोटो देखोगे बिफोर में ऐसी थी एंड आफ्टर में ऐसी है, तो फोटो तो भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा ही मस्त लग रही है। तो इस टाइप की गाइज आप भी अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हो इन सारे ट्रिक का यूज़ करके। अब जस्ट आपको शेयर के आइकॉन पे क्लिक करना है, सेव टू डिवाइस कर लीजिए, आपकी फ़ोटो आपकी गैलरी में ईजिली सेव हो जाएगी, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मुझे उम्मीद है गाइज कि आज का ये वीडियो आपको जो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मतलब आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ, मुझे पता है कि मैंने पूरा स्टेप आपको नहीं बताया क्योंकि यार बैकग्राउंड ब्लर करना, मैं एक एक चीज़ें कितनी बार बताऊँ, तो बैकग्राउंड ब्लर करना अगर आपको नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो देख लीजिए, आप अच्छे से सीख जाएंगे। सो आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।